Bismillah Rahmanir Rahim, dear students, you are watching educational channel KMCH. I am Khalid Mahmood from KMCH Physics Academy. Our subject is physics of class 9th. We are solving its examples. Today we have to solve example number 7.7 7 of unit number 7. Unit number 7 is properties of matter. Let us see the statement of example number 7.7. 7. A steel wire 1 meter long. एक स्टील की वायर है उसकी लेंथ वन मीटर है एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया फाइव इंटू ट माइनस फाइव मीटर स्क्यर और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है पाँच दरब पाँच दस की ताकत माइनस पाँच मीटर स्क्यर है इज स्ट्रैचड उसको स्ट्रेच किया गया है थ्रू वन मिलीमीटर यानी उसकी लंबाई में इजाफा हुआ है वन मिलीमीटर मीटर अ फोर्स ऑफ टन थाउजेंड न्यूटन जब हमने उसके ऊपर टेन थाउजेंड न्यूटन फोर्स लगाई है यानी उसके ऊपर टेन थाउजेंड न्यूट्रन फोर्स लगाने से उसकी लेंथ जो है वन मिलीमीटर mm बढ़ गई है फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर हमने वायर का यंग्स मॉडुलस मालूम करना है डाटा लिखते हैं ओरिजिनल लेंथ ऑफ वायर इसको एज नाट रखेंगे ये वन मीटर है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर इसको ए रखेंगे कैपिटल ए ये फाइव इंटू टेन पर माइनस फाइव मीटर स्क्वेयर है फोर्स एक्टिंग ऑन द वायर यानी फोर्स जो उसके ऊपर लगाई है वो एफ रखेंगे उसको टेन थाउजेंड न्यूटन है और उस फोर्स की वजह से जो उसकी लेंथ में इजाफा हुआ है एक्सटेंशन इन द वायर, उसको डेल्टा एल रखेंगे वो वन मिलीमीटर है और वन मिलीमीटर जो है इसके मीटर बना लेते हैं तो मिली का मतलब टेन की पावर माइनस थ्री होता है तो वन ओवर 10 की पावर माइनस थ्री हो जाएगा वन ओवर 10 की पावर थ्री हो जाएगा जो कि जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मीटर बन जाता है यंग्स मॉडुलस मालूम करना है हमने यंग्स मॉडुलस को कैपिटल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होता है फोर्स इनटू ओरिजिनल लेंथ ओवर क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू चेंज इन लेंथ यानी इंक्रीज इन लेंथ तो फोर्स लगाएंगे हम टेन थाउजेंड न्यूटन ओरिजिनल लेंथ लगाएंगे वन मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया लगाएंगे फाइव इंटू ट्र माइनस फाइव मीटर स्क्वेयर डेल्टा एल लगाएंगे जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन मीटर तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो यंग्स मॉडुलस वाई निकल आएगा हमारे पास वैल्यूज़ पुट कर दी हमने टेन थाउजेंड न्यूटन एफ ओरिजिनल लेंथ वन मीटर क्रॉस सेशनल एरिया फाइव इंटू ट्री पार माइनस फाइव मीटर स्क्वेयर और इंक्रीज़ इन लेंथ डेल्टा एल जीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो वन मीटर ये हमारे पास मीटर मीटर के साथ कैंसल हो जाएगा तो ये हमारे पास टेन थाउजेंड है ये टेन की पावर फोर न्यूटन बन जाएंगे और नीचे हमारे पास फाइव इंटू टेन पावर माइनस फाइव मीटर का स्क्वेयर है और ये हमारे पास ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो जीरो वन जो है ये टेन की पावर माइनस थ्री बन जाता है टेन की पावर माइनस फाइव और टेन की पावर माइनस थ्री मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में ये टेन की पावर माइनस एट बन जाएगा टेन की पावर माइनस एट को ऊपर ले जाएंगे टेन की पावर प्लस एट हो जाएगा यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन की पावर फोर इंटू टेन की पावर एट आ जाएगा ऊपर तो जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर जमा हो जाएगी यानी टेन की पावर फोर प्लस एट हो जाएगा नीचे हमारे पास सिर्फ फाइव रह जाएगा तो ये टेन की पावर ट्वेल्व बन जाता है टेन की पावर ट्वेल्व और फाइव और यूनिट हमारे पास सिर्फ न्यूटन पर मीटर स्केर रह जाएगा तो टैन की पावर ट्वेल्व जो है इसको हम टेन इंटू टेन की पावर अलेवन लिख लेते हैं ताकि इस फाइव से हम इस टेन को डिवाइड कर सकें तो जब फाइव से इस टेन को डिवाइड करेंगे तो टू आ जाएगा हमारे पास यानी मॉडुलस तो जो है वो हमने मालूम कर लिया दस यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर इज टू इंटू टेन रेज पावर अलेवन न्यूटन पर मीटर स्केयर तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया उम्मीद है आपको समझ आई होगी खुद भी देखें दोस्तों के साथ इसको शेयर भी करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि के एम सी एच फिजिक्स अकेडमी की तरफ से आपको इस तरह की मजीद वीडियोज़ मिलती रहें अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लिया करें मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज शात रहें आबाद रहें